ये छोला मैंने 200 ग्राम लिया है। इसको मैंने 4 बार अच्छे से धो दिया। इसको 6 घंटे के लिए भिगो के मैंने रखा था। अभी इसको हम बॉईल करेंगे। अभी इसमें हम 1 गिलास पानी मैंने डाला है। इसमें अभी 2 गिलास पानी डाल दिया। जैसे ये छोला के ऊपर पानी रहेगा, नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है। और इसमें सूखा मसाला डाल दूंगी, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और ये काली मिर्च, सारा इसमें मैं डाल देती हूँ। इसमें मैं 2 पिंच खाने वाला सोडा डाल देती हूँ। अभी इसको कुकर बंद करके गैस में चढ़ा देते हैं। 4 सीटी तक देगा तभी हम बंद करेंगे। ये मसाला पीसने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है, 12 लहसुन, 1 इंच अदरक जो टुकड़ा कर दिया है मैंने, 1 कप धनिया पत्ता लिया है और इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। धनिया पत्ता मैंने ज्यादा इसलिए लिया है कि छोला में धनिया पत्ता का फ्लेवर आएगा, इसीलिए मैंने ज्यादा लिया है। अब इसको हम पीस लेते हैं सारा डाल के। ये मसाला मैंने पीस लिया है, अभी इसको साइड करते हैं। कुकर में अभी 4 व्हिसल दे दिया था मैंने, अभी इसको डालते हैं। ये देखिए छोला अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, ये टूट रहा है। अभी हम कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पे। ये तेल गर्म हो गया है हमारा, इसमें तेज पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा जीरा और इसमें 2 मीडियम साइज का प्याज मैंने काट लिया है, अभी इसको डाल देते हैं। ये देखिए हमारा प्याज भून गया है, ये देखिए अच्छे से भून गया। अभी इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था धनिया पत्ता डाल के, उसको इसमें डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से भूनना है। अभी इसको मैंने मीडियम फ्लेम में रखा है। अभी इस मसाले में थोड़ा सा नमक डालूंगी टेस्ट करने का। इसमें हल्दी भी ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके भूनना है। ये देखिए हमारा मसाला भी अच्छे से भून गया है। अभी मैं इसमें 2 टमाटर लिया था, उसको ग्राइंडिंग कर लिया है, अभी इसको इसमें डाल देंगे और डालने के बाद भी टमाटर को मसाले के साथ अच्छे से 5 मिनट हम भून लेंगे। ये मसाला भी भूनने लगा है, अभी इसमें हम छोला मसाला डालेंगे। मैंने ये रुचि का छोला मसाला लिया है, अभी मैं इसमें 1 टेबलस्पून डालूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। इसको 2 मिनट के लिए फिर से भून लेती हूँ। ये देखिए मसाला अच्छे से भून गया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है धनिया पत्ता का। अभी इसमें हम छोला डालेंगे। अभी इसमें हम छोला डालते हैं, पानी नहीं डालेंगे अभी, बस छोला डाल देते हैं। अभी ये छोला डालने के बाद इसको फिर से भूनना है मसाले के साथ। ये देखिए छोला मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है और अच्छा खुशबू भी आने लगा है। अभी इसमें मैं जो कुकर पे पानी था इसको मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें पूरा फ्लेवर है मसाले का, तो इसमें मैं डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा उबाल आने देते हैं। ये देखिए उबाल आ गया है और छोला की सब्जी अच्छे से बन गया है। अभी इसके ऊपर हम धनिया पत्ता डाल देते हैं थोड़ा सा, अभी गैस ऑफ कर लेते हैं। अभी प्लेट में सर्व करते हैं। ये देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है।
इसमें थोड़ा सा मैं बटर डाल रही हूँ और थोड़ा सा धनिया पत्ता। ये आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।